हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं सांची में और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं यहाँ का वर्ल्ड फेमस सांची स्तूप। चलिए, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं, घूम के आते हैं सांची स्तूप। सो फिलहाल दोस्तों, तैयारी यहाँ चल रही है, देख सकते हो आप। यहाँ पर आयु तैयार हो चुकी है और खुशी भी हो गई है तैयार। मौसी बैठी है, सब लोग यहाँ बैठे हैं, नाश्ता भी हो रहा है अभी। चलिए दोस्तों, 10:30 बज चुके हैं और हम लोग फिलहाल अब जा रहे हैं सांची स्तूप पर। आप लोग वीडियो बने रहिए लास्ट तक। सो गाइस, फिलहाल हमारी आयु भी हो चुकी है तैयार, अब फिलहाल हम चलते हैं सांची स्तूप घूमने। आर यू रेडी फॉर दिस? तो चलिए चलते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग घूमने जा रहे हैं यहाँ के विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप पर। आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। आयु, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप एक्साइटेड हो देखने के लिए हमारा सांची स्तूप? चलिए दोस्तों चलते हैं। सो हमारे साथ और भी काफी सारे लोग हैं, देख सकते हो। खुशी दीदी, खुशी और एक्साइटेड, कितना लेवल आपका एक्साइटमेंट का? मेरा तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं क्या बताऊँ। चलिए आज हम देखते हैं दोस्तों यहाँ का विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप को। सो दोस्तों, फिलहाल अभी हम सब लोग बैठ चुके हैं ऑटो में जाने के लिए अपने सांची स्तूप। तो सभी लोग व्यूअर्स को हेलो बोलते हुए। तो चलिए दोस्तों, हमारा गेट है ये सामने वाला, देख सकते हैं एंट्रेंस। यहाँ से हम जाएंगे सीधे सांची स्तूप, जो लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर बना हुआ है। बट उससे पहले यहाँ पर लेते हैं हम लोग टिकट। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिए हैं 16 टिकट, देख सकते हैं हम ढेर सारे लोग थे। तो टिकट लेने के बाद हम फिर से निकल चुके हैं अपने सफ़र पर और देखते हैं। तब तक आप लोग लीजिए इस रास्ते का एंजॉय और पहुँचते हैं और आपसे मिलते हैं स्तूप पर जाकर। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं यहाँ के विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप पर। आप लोग देख सकते हो सामने वो स्तूप। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप पर। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे का जो नज़ारा, बहुत ही सुहाना है। मौसम काफ़ी अच्छा है और देख सकते हैं पीछे आप ढेर सारे बर्ड्स, बतख, डक और लॉट्स ऑफ एनिमल्स। सो दोस्तों, देख सकते हैं पीछे हमारी इतनी सारी खंडित मूर्तियाँ भगवान बुद्ध की, यहाँ पर खंडित की गई थी सारी। और तो फिलहाल दोस्तों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर ढेर सारी खंडित मूर्तियाँ, तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ, देख सकते हैं आप लोग। ये बहुत ही शानदार मूर्ति है। तो हम लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा हो गया दोस्तों घूमते घूमते और हम लोग काफ़ी थक गए हैं। चलिए बात ये पानी पीने के, पानी पीते हैं। सो दोस्तों, फिलहाल अभी हम आ चुके हैं सांची स्तूप नंबर 1 पर और यहाँ पर 3 स्तूप बने हैं जो मुख्य हैं, और उसमें से ये पहला मेन स्तूप है। और इसके चारों तरफ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ साइड पर यहाँ पर ये पोल और ये गेट बने हैं बड़े बड़े, जो आपने अभी देख लिए थे। चलिए इसके अंदर जाके देखते हैं जहाँ सब लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ पर तथागत बुद्ध की मूर्ति और ये स्तूप। चलिए जल्दी सब लोग इसकी लगाते हैं परिक्रमा। सो फाइनली हम लोग गाइस एंटर कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध सांची स्तूप पे। आप लोग देख सकते हो हमारे साथ मौसी, मम्मी, बच्चा पार्टी, बहुत सारे लोग हैं, काफी लोग। सो दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं सांची स्तूप की नंबर 1 के, और इसी के अंदर तथागत बुद्ध की जो सिद्ध अस्थियाँ थी उन्हें यहाँ पर स्थापित किया गया था सम्राट अशोक द्वारा 2000 साल पहले। तो देख सकते हैं यहाँ पर चारों स्तंभ चारों तरफ दिशाओं बने हुए। और चलिए, परिक्रमा लगाने के बाद नीचे आ चुके हैं सभी लोग। अब फिलहाल अब बारी है फोटो खिंचवाने की दोस्तों, क्योंकि इतनी दूर आए और फोटो न खिंचवाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। चलिए फिलहाल सभी लोग क्रम बाय क्रम यहाँ फोटो खिंचवा रहे हैं, एंजॉय करते हुए अपनी। तो दोस्तों, ये है कुछ यहाँ पर खींची हुई हमारी प्यारी सी पिक्चर्स, तो आप लोग भी एंजॉय कीजिए, उसके बाद फिर आपको ले चलते हैं आगे। सो दोस्तों, ये सामने आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे से जो कमरे की टाइप से बने हुए हैं, यहाँ पर पुराने ज़माने में जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं वो यहाँ पर मेडिटेशन किया करते थे। हाँ, तो फाइनली दोस्तों हम लोग घूम के आ चुके हैं सांची स्तूप वर्ल्ड फेमस, और हम लोग जा रहे हैं नीचे बौद्ध विहार देखने। चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पर जाकर। सो दोस्तों, ये है बौद्ध विहार। बट उससे पहले छाव में चप्पल उतार देते हैं सभी लोग, चलो। सो मैंने अपने जूते उतार दिए हैं सबसे पहले, सभी लोग उतारिए जूते अपने अपने। तो गाइस, ये है बौद्ध विहार के अंदर का लुक, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। आप जब भी यहाँ पर आए 10 से 15 मिनट यहाँ पर आराम से बैठे और आप आनंद लें यहाँ के पीस का। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं बाहर, कर दो बाय बाय, अब फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपसे। सो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक चलिए टाटा बाय।